वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल पढ़ा था नाउन क्लॉज, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बदलने के लिए हमें क्लॉजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें सबॉर्डिनेट कंजक्शंस की आवश्यकता होती है। सबॉर्डिनेट कंजक्शंस बनाते हैं क्लॉज, और क्लॉज होती है तीन तरह की। पहली है नाउन क्लॉज। मैंने कल आपको बताया था कि नाउन क्लॉज जो है पांच तरह से काम करती है, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट टू अ वर्ब, फिर मैंने बताया था ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, फिर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट, फिर मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, वो जो मैंने ऑन हाउ करके बताया था आपको, और एक पांचवा केस इन अ पोजिशन बताना रह गया था, उसमें उसको देखते हैं। पार्ट एट देखिए, इसमें पांचवा जो इसका जो था केस इन अपोजिशन, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया था कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है निकट रखना। तो जब मैंने उसमें एज ए नाउन जब केस इन अपोजिशन में बताया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान मतलब कोई नाउन या नाउन फ्रेज, उसके बिल्कुल इक्वल बराबर समान अर्थक काम करने वाला एक शब्द या शब्द समूह जो नाउन के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो और उसकी तरह काम करे, नाउन उसका केस इन अपोजिशन कहलाता है, जो दो कॉमास के बीच में रखा जाता है। देख लीजिए कैसे, जैसे हम लिखते हैं कि वाक्य है कि महात्मा गांधी was a good leader और he is called बापू। अब आप देखिए कि इसमें जो महात्मा गांधी है, इसके बारे में महात्मा गांधी कौन है, बापू राष्ट्रपिता, और महात्मा गांधी कौन थे, एक अच्छे नेता। तो ये जो अच्छे नेता और बापू, ये दोनों ही इस महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया है, और महात्मा गांधी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये जगह पर इस्तेमाल तब किया जा सकता है, महात्मा गांधी को हटा कर इनका इस्तेमाल तब करते जब ये एक दूसरे के लिए होते, मतलब इन्हें एक बनाना है तो ये क्या एक ही तरह के होते, लेकिन ये सारी बातें अलग अलग हैं। महात्मा गांधी उनका नाम है, एक गुड लीडर उनका कर्तव्य जिसे उसने गुड लीडर बनाया एक अलग बात है, लोग उन्हें बापू कहते थे एक अलग बात है, कहते वो नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल एक चीज है नहीं। पर मोहन आ गया उसकी जगह ही आ जाता, तो मोहन लिखो या ही लिखो एक बात है, लेकिन अब महात्मा गांधी एक अलग पर्सनालिटी है, गुड लीडर उनका एक अलग व्यू है, और बापू उनका एक अलग, उनकी एक अलग करेक्टरिस्टिक है, विशेषता। तो तीनों चीजें अलग अलग है लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए है। तो जब इनमें से किसी को हटाया न जा सके और इनमें से किसी एक को लिखकर उसके बगल में दूसरा दो कॉमास के बीच में लिखा जाए, तो उसे हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। देख लीजिए कैसे, ये दो वाक्य हैं और इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बदल रहे, हम अभी आपको केवल ये बता रहे हैं कि कैसे, जैसे महात्मा गांधी एक नाउन के रूप में, एक क्लॉज के रूप में नहीं, नाउन के रूप में महात्मा गांधी, अब इसे हम कॉमा लगा दें, महात्मा गांधी कौन थे, एक अच्छे लीडर थे, अ गुड लीडर, कॉमा। अब ये क्या है, केस इन अपोजिशन का मतलब होता है निकट पास में रखना, महात्मा गांधी के निकट उनका समानार्थक रख दिया, जो बिल्कुल उसी की तरह काम करे, बिल्कुल उसी केस में हो, तो उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। एक ऐसा केज जो बिल्कुल उसके साथ काम करे, उसकी तरह काम करे, उसके जैसा हो, उसके निकट हो। और उसके बाद ये इज कॉल्ड बापू, ठीक है। अब ये तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, ये क्या हुआ है,
कि दो सिंपल सेंटेंस को मिला के सिंपल सेंटेंस बनाया है, जैसा कि हमने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस बनाते समय। लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो हमें क्या अंतर करना पड़ेगा? जब कॉम्प्लेक्स में हम केस इन अपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो इसी वाक्य में हमें अंतर ये करना पड़ेगा कि ये जो अपवर्ड लीडर है, ये जो नाउन फ्रेज है, इसको हमें एक नाउन क्लॉज बनाना पड़ेगा। नाउन क्लॉज कैसे बनती है मैं आपको बता चुका हूँ। नाउन क्लॉज शुरू होती है डब्ल्यू एच वर्ड से, तो हम इसी को अगर डब्ल्यू एच बना दें, देखिए कैसे। अब ये तो सिंपल बना हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स के रूप में बदलना चाहें इसको, तो क्या करेंगे? महात्मा गांधी सेम आएगा, महात्मा गांधी सेम आ गया। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएं, जैसे ऊपर लगा हुआ है, और हम यहाँ क्या लिखेंगे? हु वाज अ गुड लीडर। अब आप देखिए कि दो कॉमा वैसे ही हैं, अब गुड लीडर को हमने इसको क्लॉज में कैसे बदला? ये हम जब इसमें क्रिया आ गई वाज, क्लॉज हो गया। क्लॉज की परिभाषा शायद आप जानते हो कि क्लॉज की परिभाषा और वाक्य की परिभाषा बिल्कुल एक ही होती है। वाक्य की परिभाषा होती है कि वो शब्दों का समूह जो सार्थक और पूर्ण अर्थ दे, या आप इसे ऐसे कहते हैं, वह सार्थक शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस देता है वो सेंटेंस है, और क्लॉज सार्थक शब्दों का वह समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, इनकम्प्लीट सेंस देता है, वो है क्लॉज। तो हमने इसे क्लॉज बना दिया, जैसे ही ये क्लॉज हो गई और इस तरह से दो कॉमा के बीच में है और इसकी तरह काम करती है बिल्कुल इस वाक्य में की तरह, तो ये एक नाउन क्लॉज है जो केज इन अपोजिशन की तरह इस्तेमाल की गई। इज कार्ड बाटू, देखिए तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हम तो जब हम इस इन दो वाक्यों का सिंपल बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। एक और देख लीजिए, आई लाइक डेली, आई लाइक डेली, मुझे दिल्ली पसंद है। क्यों? माई अंकल लिव्स देयर, माई अंकल लिव्स देयर, मेरे अंकल वहाँ रहते हैं, मुझे दिल्ली पसंद है इसलिए, ये दिल्ली बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पर देखिए जो मेरे अंकल वहाँ रहते हैं, जो देयर शब्द है तो कहाँ? वहाँ, वहाँ कहाँ? दिल्ली में। तो क्या होता है कि दिल्ली के लिए इसमें बताया गया है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं आई लाइक दिल्ली, और इसमें एक बात और जोड़ लेते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली आई लाइक दिल्ली, मुझे दिल्ली पसंद है, ठीक है, वहाँ मेरे अंकल रहते हैं वहाँ, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो अब दिल्ली के लिए हम एक कुछ और, दिल्ली ना लिखना चाहें, दिल्ली से कुछ और लिखना चाहें, तो दिल्ली का है क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। तो अगर हम दिल्ली के आई लाइक दिल्ली इसको इस तरह लिखें, आई लाइक दिल्ली और कॉमा लगा के द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, और एक और कॉमा लगा दें, तो हम दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? दिल्ली। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो ये केस इन अपोजिशन है ये। और अगर हम अब हमने ये इस तरह से द कैपिटल ऑफ इंडिया केवल लिखा तो ये क्या बनेगा? ये केवल एक सिंपल सेंटेंस बनाएगा और नाउन फ्रेज बनेगा, नाउन क्लॉज नहीं। और इसी को अगर आप लिखें यहाँ पे डब्ल्यू एस स्टार्ट करते हुए, विच लगाकर लिखें, विच इज दी, तो ये सेंटेंस बन रहा है, विच इज दी कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अ
आई लाइक दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज द रेजिडेंट ऑफ माई अंकल, रेजिडेंट का निवास स्थल है, विच इज द रेजिडेंट प्लेस ऑफ माई अंकल, ऐसे। अगर आप इस वाले वाक्य को इसके आगे यूज कर लें तो और बेहतर सेंटेंस बनेगा। देखिए माई अंकल लिव्स देयर का मतलब कहाँ, दिल्ली में, इन दिल्ली। माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली और विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया इज लाइक्ड बाय मी। अब आप देखिए आई लाइक दिल्ली को यहाँ पर पैसिव वाइज से बनाकर लिखा गया है। आई लाइक दिल्ली को हमने यहाँ पैसिव वाइज लिख दिया, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली क्या जो कि भारत की राजधानी है, केस इन पोजिशन हो गया आपका, एक नाउन क्लॉज को बना रहा है और आगे का वाक्य इज लाइक बाई मी, वो मेरे द्वारा पसंद की जाती है। पूरा सेंटेंस का अर्थ कहीं भी चेंज नहीं हुआ, अर्थ वाक्य जुड़ गया, इसमें वाक्य तीन थे, इसलिए तीन वाक्यों को जोड़ने के लिए इस तरह से इसको बनाया गया। इस तरह से आपने नाउन क्लॉज के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना सीखा। नाउन क्लॉज के बाद हमारी दूसरी क्लॉज जो आती है जिसके प्रयोग द्वारा हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदल सकते हैं वो है एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए अब दूसरी हमारी जो क्लॉज है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका, अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का मतलब है वाक्य और क्लॉज का मतलब है उपवाक्य। वाक्य और उपवाक्य की परिभाषाएं एक ही होती है, वाक्य और उपवाक्य की परिभाषा में इतना अंतर होता है कि वाक्य की परिभाषा में अर्थ कंप्लीट होता है और क्लॉज की परिभाषा में अर्थ जो होता है सेंस वो इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट होने के कारण ये जो है एक क्लॉज बनती है। डब्ल्यू एच वर्ड जिनसे बनती है मैं आपको बता चुका हूँ कि इनसे बनती पहले ही। तो होता क्या है कि जब उनसे बनती है और एडजेक्टिव, अब आपने क्लॉज समझ ली, अब आप समझिए कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है एडजेक्टिव की ही तरह काम करती है। एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, नाउन प्रोनाउन के लिए आता है। तो क्या होता है जब कोई एडजेक्टिव सिंगल वर्ड का होता है, एडजेक्टिव होता है ओनली एडजेक्टिव, तो वो उस नाउन के पहले आ जाता है और जिस प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसके उससे कनेक्ट रहता है, उसके पहले आवाज दोनों में आ सकता है, ठीक। लेकिन जब ये जो क्लॉज होती है ये क्या एक शब्दों का पूरा समूह है, पूरा एक वाक्य है जिसमें क्रिया भी होती है और सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो पूरा एक वाक्य है। तो आप जानते हैं पूरा वाक्य एक नाउन के आगे नहीं आ सकता, तो ये उस नाउन के ठीक बाद आता है, इसीलिए हम लोग इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो आप देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो एक ऐसी क्लॉज होती है जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होती है और जिस नाउन की विशेषता बताती है उसके बाद आती है। जैसे मैं आपको बताऊं एक बात देते हैं, आई जैसे मैंने अभी लिखा था आई लाइक दिल्ली, आई लाइक दिल्ली वेरी मच, दिल्ली वेरी मच।
अब क्या होता है कि देखिए इसमें एक डेली नाउन है, ये एक नाउन है और एक ये आई प्रोनाउन है। तो क्या होता है कि इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर अगला वाक्य कुछ बता रहा है, इस पूरे वाक्य नहीं, इस डेली या आई के बारे में कुछ बताए, तो आप उस वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज में बदल सकते हैं। जैसे हम डेली के बारे में लिखते हैं कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। अब हमने इस वाक्य में, इस वाले वाक्य में किसके बारे में बताया है? दिल्ली के बारे में। दिल्ली क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो वाक्य बताता है वो क्या काम कर रहा होगा? एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। बिल्कुल सेम, जब कोई वर्ड नाउन के बारे में बता रहा होता है तो एडजेक्टिव होता है, जब कोई शब्दों का समूह जो क्लॉज ना हो नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव फ्रेज है, और जब कोई पूरा क्लॉज मतलब एक क्लॉज एक वाक्य जब एडजेक्टिव के बारे में बताता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करता है। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए, आई लाइक दिल्ली, दिल्ली वेरी मच विच इज विच, अब देखो इट को हटा के निर्जीव के लिए हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं, जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो विच आता है, तो इट की जगह विच आ गया, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी। अब क्या है कि देखो आप इस वाक्य को पूरा देखिए तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है क्लॉज डब्ल्यू एस शुरू होती है, तो डब्ल्यू एस शुरू हुई तो ये यहाँ पर क्या बन गई, एक क्लॉज। और ये जो विच जो है ना, ये इस विच से ये क्लॉज स्टार्ट हो रही है दिल्ली को, दिल्ली के बारे में बता रही है, सिटी दिल्ली सिटी के बारे में बता रही है, तो ये नाउन के बारे में बता रही है, तो इसका साफ मतलब है कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। एक और देख लीजिए, माई फादर इज अ वेरी वेरी सिंसियर पर्सन, वेरी सिंसियर पर्सन बहुत ही समझदार व्यक्ति है, और माई फादर इज अ वेरी सिंसियर पर्सन, ही हेल्प्स एवरीवन। अब आप इसमें देखिए कि जो ही हेल्प्स एनीवन है ये इस फादर के बारे में बता रहे हैं, मेरे फादर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो अ वेरी सिंसियर पर्सन जो है, मैंने हाँ सिंसियर पर्सन, ये भी इस फादर के बारे में ही बता रहे हैं। तो क्या होता है इस वाक्य में जो अ वेरी सिंसियर पर्सन है इसको हम वी क्लॉज बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, या आप चाहें तो इसको भी हम एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। दोनों ही वाक्य में दो दो पार्ट जो है वो एक नाउन की विशेषता बता रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव क्लॉज बन सकते हैं, तो हम जिसे चाहे उसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इनमें दोनों में से किसी एक को लेकर हमें बनानी होगी डब्ल्यू एस से शुरू होने वाली क्लॉज जो उस नाउन के तुरंत बाद आए, कैसे माई। अच्छा, जब एक सजीव व्यक्ति के लिए हम हमेशा अगर वो सब्जेक्टिव केज में है तो हु का इस्तेमाल करते हैं, माई फादर, अभी हम मंगा पाले उसको ले लें, हु इज अ वेरी सिंसियर पर्सन। और इसके बाद हम यहाँ हेल्प्स एवरीवन लिख दें, ही क्या है, ही जो है ना ये फादर के लिए ही आया है तो इसलिए ही को हम हटा देंगे, तो यहाँ पर माई फादर हु इज अ वेरी सिंसियर पर्सन हेल्प्स एवरीवन, तो इस तरह से ये वाक्य बन गया जिसमें ये जो हु इज अ वेरी सिंसियर पर्सन है ये इस नाउन के बारे में बता रही है, ये एक रिलेटिव क्लॉज भी आप कह सकते हैं इसको, और इसे एक आप एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।